वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि 18 जनवरी 2024 को एक नया अपडेट आया है, जिन्होंने फॉर्म भरते समय कोई गलती की है, आप उस फॉर्म को अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके सुधार सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट सभी लोगों को अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को आपको बताऊँगा और समझाऊँगा भी, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आपको bssc.bih.in पर जाना है और इसके बाद हम लोगों को सूचना पट वाले पेज पर क्लिक करना है। जैसे इस पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें देख भी पा रहे होंगे आप 18-1-2024 ये एडिटिंग अपलोड डॉक्यूमेंट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपका ऑनलाइन वाला पेज इस टाइप का ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको यहाँ पे लिंक वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लिक हियर फॉर लॉगिन। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास तीन स्टेप दिखेंगे, एक यहाँ पर्सनल डिटेल का, एक यहाँ एजुकेशनल डिटेल और यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट। इसमें पर्सनल डिटेल पे एडिट का ऑप्शन है आपका, अगर एज इट इज है तो आप सेव नेक्स्ट कर देंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। फिर से लॉगिन करेंगे तो डॉक्यूमेंट डिटेल्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपनी आप सारे देख लेंगे। डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे इसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें से आपको सारे का अलग अलग पीडीएफ बनाना है और वो पीडीएफ जो आपको 50 KB से 1 MB का होना चाहिए। जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 पीडीएफ आप लोगों को अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ लोगों के पास जो समस्या आएगा उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है या सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ तो वो प्रोविजनल जो अपना वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका पता कर लीजिए, अगर सर्टिफिकेट आ चुका है तो आप उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के ही अपलोड करेंगे। डोमिसाइल वाले, ठीक है, ये डोमिसाइल वाले जो अपना डोमिसाइल स्टेट के हैं तो वो डोमिसाइल अपना अपलोड करेंगे। और जो NCL वाले हैं, ठीक है, वो NCL अपना अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू होगा। कुछ लोगों के सर्टिफिकेट में ही इंग्लिश और टाइपिंग के स्पीड भी मेंशन होंगे, तो आपको तीनों जगह एक ही सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी अपलोड कर देना, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मार्कशीट भी अपलोड करना है तो आप सर्टिफिकेट के साथ एक ही PDF बना के उसको अपलोड कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश की अलग अलग टाइपिंग की सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास अलग से टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपने बना रखा है इंग्लिश हिंदी का तो अपलोड कीजिए, अगर नहीं बना के रखे हैं तो सेम ही सर्टिफिकेट आपको दोनों जगह अपलोड करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि वो आपका सर्टिफिकेट में मेंशन रहना चाहिए। जब आप अपलोड करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैट्रिक मार्कशीट, मैट्रिक सर्टिफिकेट। आप PDF का रीनेम करके रख लेंगे, इसके बाद अपलोड करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फिर अपना ID प्रूफ में रेसिडेंशियल का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जो यहाँ पे एज इट इज आपके सामने लाइव करके दिया गया है ताकि आप इससे अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। जब इस तरह से आप लोग इसे अपलोड कर लेंगे तो फिर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सर्टिफिकेट को क्लिक करके व्यू करके देख सकते हैं, अगर आप में कोई दिक्कत है, कोई सर्टिफिकेट गलत आपका चेंज हो गया है या गलत अपलोड हो चुका है तो आप री अपलोड सर्टिफिकेट पे फिर से कर सकते हैं। इसके बाद जब फाइनल सबमिट करना है तो यहाँ पे बॉक्स को चेक ऑन कर लेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट में क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब ऐसा हम लोग करेंगे तो सिर्फ एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी ये सारे स्टेप को हम लोग करें तो एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लें, क्योंकि आप जो सबमिट करेंगे फिर से इसमें री एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं देने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये चीज़ को कंफर्म कर लें, ठीक है। इसके बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी और जो पासवर्ड था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
साथ ही नीचे आपको एक मैसेज भी दिखेगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास सारा कुछ अवेलेबल है तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद जो है प्रिंट आउट लेते समय आप प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट ले सकते हैं। अगर पहला चाहिए तो पहले भी जो ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म था इसका भी प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे कुछ समझ चुके होंगे। तब पर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा समरी बता देता हूँ कि आपको मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एक आईडी प्रूफ जिसमें फोटो हो आपका, कास्ट सर्टिफिकेट जिसने आप आरक्षण का दावा किया है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो डोमिसाइल का हो गया आपका वो, ठीक है, उसके बाद एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट, हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट, अगर कॉमन किसी चीज़ में है तो सेमी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। किसी भी तरह की दुविधा मन में नहीं रखनी है। आपने जो फॉर्म फिलअप करते समय जो जो डिटेल भर रखा था वही सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम की वेबसाइट पे जब डेट आएगी तो आप लोगों को सभी को पता चल जाएगा। मैं कोई भी ऐसा डेट नहीं बताना चाहता हूँ कि जो अपने मन से बोला गया हो, सारी वेबसाइट पे ही आपको सूचनाएँ प्राप्त होगी। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे, उस पर ध्यान ना देकर आप अपना पढ़ाई को बूस्ट करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बोला गया है कि मार्च में लिया जाएगा, तो आप उसको ही टारगेट करके तैयारी कीजिए। अगर मार्च में नहीं लिया जाएगा तो और भी आप अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।